big relief is for Salman Khan, as Jodhpur court has rejected an appeal by a state government from Rajasthan who claimed that Salman Khan has presented fake affidavit in an arms case. So what is the actual case? क्या चीजें हुई है, चलिए आपको बताता हूँ. सबसे पहले बता दूं 1998 का ब्लैक बक पूछिंग केस में 2003 में 8 अगस्त को एक एफिडेविट दिया गया था सलमान खान की तरफ से, और उस एफिडेविट में साफ कहा गया था कि उनका जो लाइसेंस था वो कोर्ट में ही गायब हो गया है ना, उनका जो लाइसेंस था इस तरह का, ठीक है. और इस मसले आर्म्स एक्ट की बात हो रही है, ठीक है. तो अब क्या हुआ, तो कोर्ट में बाद में कोर्ट ने जब अपनी जो भी कार्रवाई की, उन्हें समझ में आया कि वो जो लाइसेंस था वो गायब नहीं हुआ था, सलमान खान का जो लाइसेंस था वो रिन्यूअल के लिए गया था, रिन्यूअल के लिए मतलब वापस से, ठीक है. तो सलमान खान उस समय शूटिंग में बिजी थे, व्यस्त थे, तो सलमान खान को ये याद नहीं रहा कि उनका लाइसेंस रिन्यूअल के लिए गया है. तो उस केस में सलमान खान, याद होगा कल मैंने एक खबर बनाई थी जहां पे मैंने कहा था कि सलमान खान ने कोर्ट से गुहार की है, माफी मांगी है, ये साफ साफ मैंने कहा. और सलमान खान ने सेम चीजें कही जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में मौजूद थे, ठीक है. अब यहाँ पे कि आज फैसला आने वाला था इस केस पर, तो इस केस पर फैसला यही आया है कि जो आर्म्स एक्ट को केस को लेकर जो एक लीगल प्रोसीडिंग चल रही थी जहां पर स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट का ये कहना था कि सलमान खान कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं फेक एफिडेविट देकर, ठीक है, कि उनका लाइसेंस कोर्ट में ही गायब हो गया, ऐसा वैसा ये करके वो करके. तो कोर्ट ने आज सलमान खान के फेवर में फैसला सुनाया और कहा कि ये इसमें बहुत ज्यादा कोई तथ्य नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, और ये सब चीजें मतलब ऐसी कुछ नहीं, मतलब कहने का मतलब है वो जो प्रॉब्लम जो सलमान खान की तरफ से हुई थी 2003 में जहां पे फेक एफिडेविट गया था कि भाई लाइसेंस कोर्ट में गायब हो गया, उसको लेकर सलमान खान ने माफी मांगी, और कहीं ना कहीं कोर्ट भी सलमान खान के फेवर में है. फैसला वैसे का वैसा ही है, वो 5 साल वाला जो फैसला था जिसने जो लोअर कोर्ट ने सजा सुनाई थी, तो उस पर फैसला अभी भी चलेगा, चल ही रहा है. लेकिन यहाँ पे जो राहत मिली है ये सिर्फ उस पर्टिकुलर चीजों को लेकर मिली है जहां पे फेक एफिडेविट की बात हुई थी, तो ये सिर्फ वो चीज पे राहत मिली है. ओवरऑल जो केस है वो अभी भी डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में चल रहा है, सो डोंट गेट कंफ्यूज इनटू दैट. और इसके अलावा एक और भी केस यहाँ पर गवर्नमेंट ने किया है, राजस्थान गवर्नमेंट ने, वो सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान और नीलम, और जो थे ना उस फिल्म में हम साथ साथ है फिल्म में, तो उनके ऊपर किया है कि उनको जो लोअर कोर्ट ने राहत दी है वो गलत दी है या ऐसा है वैसा है, आप है ना, उसको लेकर भी एक चालू है केस. तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा लंबा चलने वाला है, इतना जल्दी सब केसेस हल नहीं होते, क्योंकि अगर आप 20-22 साल से जो केस चल रहा है तो आपको समझ में आ ही रहा होगा. सो दिस आर सम डिटेल्स विच हैज कम राइट नाउ. सो ए बिग रिलीफ फॉर सलमान खान फैंस, मुझे पता है ये जानकर बहुत खुश होंगे सलमान खान के फैंस, दैट्स व्हाई आई मेड दिस न्यूज जस्ट फॉर देम. सो जस्ट स्टे हैप्पी, स्टे काम, जस्ट प्रे फॉर भाईजान दैट ही comes out clean from this, and let's hope the law and order do the right thing, right? Bye bye.